अस्सलाम वालेकुम जी, आज एक लाहौरी नौजवान मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने एक ऐसी किट मुतारफ करवाई है, ऐसी किट बना दी है कि एक किट लगाकर आप अपने घर का एक से डेढ़ टन, दो टन, तीन टन तक का एसी फ्री चला सकते हैं। वो किस तरह से कि जैसा कि आपको पता है कि चार से छह सोलर प्लेटें लगाएं तो फिर जाके हमारा एसी जो है वो सोलर पे चलता है, तब जाके सोलर उसका लोड उठाते हैं। इनका कहना है कि एक सोलर प्लेट और एक ये किट लगाकर आप अपना एसी घर का फ्री चला सकते हैं। जैसा कि हर माड़ा बंदा, हर गरीब बंदा चाहता है कि मैं भी अपने घर में एसी लगवाऊं, ठंडी हवाओं के मजे लूं, जैसा कि आगे गर्मियां भी आ रही हैं, तो थोड़े से चंद हजार रुपए लगाकर आप भी ये किट लगाएं और अपने घर में बासानी आप भी एसी लगा सकते हैं। हम मिलेंगे तलहा साहब से, इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये किट काम करती है, किस तरह से ये वापदा को मात देने जा रहे हैं, किस तरह से आप सोलर पे पूरा दिन रात आप अपना एसी फ्री चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तलहा साहब बताइएगा कि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं और ये किस तरह से ये जो है एसी चला सकता है। मैंने देखा आपने तीन तीन एसी जो है इस रूम के अंदर चलाए हुए हैं प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, और आपका कहना है कि मैं वीडियो में लाइव चला के दिखाऊंगा, लोग बातें करते हैं, और मैं एसी चला के दिखाऊंगा लोड ये हमारी किट के ऊपर, हम आपको एक सोलर प्लेट के ऊपर चला के दिखाएंगे। अनबिलीवेबल है, मुझे समझ नहीं आ रही, बताएं कि कैसे आप ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो खुशामदीद, आप हमारे ऑफिस में आए हैं। आज हम आपको लाइव टेस्टिंग दिखाएंगे एसी की जो एक प्लेट के ऊपर चलता है, फिर आप अपने देखने वालों को बताइएगा कि ये वाकई सच है या झूठ। ठीक है। और ये एक हमारी किट है, एक किट आपने पकड़ी हुई है, ये किट साथ लगती है। एसी का हम लोग कंप्रेसर चेंज करते हैं जो कि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका सामान भी इंपोर्ट करके खुद हम इसको इसकी वायरिंग करके कस्टमर को दे रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने रूम भी स्पेशल उन कस्टमर्स के लिए ही बनाया है जो कि खुद आके देखना चाहते हैं, एसी की कूलिंग चेक करना चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं और फिर लेना चाहते हैं ताकि किसी भी धोखे से बच सके। ठीक है। तो अब हम लोग अंदर चल के भी देखते हैं। ये सोलर पैनल आपने देख लिया, 550 वाट। अच्छा, ये कितने वाट का जी? ये 550 वाट का पैनल है। वैसे इसके साथ 550 से लेके 600 वाट तक का कोई भी पैनल आप लगा सकते हैं, जितने भी नई टेक्नोलॉजी के पैनल हैं, एन टाइप है, डबल ग्लास है, सारे इसके साथ लग। सर वैसे नॉर्मल कोई एसी घर में जो लोग लगाते हैं वो कितनी प्लेटें लगाए तो फिर चलता है एसी? आपको पता है कि डेढ़ टन का एसी तो छह प्लेटों के साथ चलता है और एक टन का चार प्लेटों के साथ चलता है। कम से कम भी अगर आपका खर्चा देखे ना तो 3 लाख से ऊपर आपका खर्चा हो जाता है खाली सिस्टम में, एसी के अलावा। एसी के अलावा? हाँ, जो आपका सिर्फ खर्चा है ना वो 3 लाख है, और मैं आज आपको जो खर्चा बताऊंगा ना वो उससे 3 गुना कम होगा एसी चलाने। 3 गुना कम होगा। और बिजली का बिल? बिल्कुल, वो तो आप समझ लें कि 5 गुना कम होगा। 5 गुना कम आपका बिजली का बिल होगा। अच्छा बताइए, ये हमें समझाइए थोड़ा प्रैक्टिकली कैसे आप चला रहे हैं। कैमरा थोड़ा सा करीब लेके आते हैं और देखते हैं कि ये सोलर की वायर हमारी लगी हुई है, ये दो वायर हैं जो सोलर से आ रही हैं, और यहाँ पे हमने वायर भी तरह एक्स्ट्रा रखी हुई है। कोई कस्टमर ये ना समझे कि यार छोटी वायर थी तो चलो बिजली कम जाया हो रही होगी, वायर लंबी है और इस कमरे के अंदर जा रही है। इसका मैं आपको ना आउटडोर भी दिखाता हूँ, ये देखिए आप उड़ते हुए देख सकते हैं, ये आउटडोर चल रहा है इसके ऊपर जी। ठीक है, ये हवा आ रही है। हाँ जी, इसके पाइप भी ठंडे हैं, पाइप को भी आप हाथ लगा के आप बेहतर बता सकते हैं कस्टमर को। बिल्कुल चिल है, माशाल्लाह मजे की है, ठंडी हवा दे रहा। तो अब हम लोग ना इसके अंदर चलते हैं और आपको मैं इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, और आप मौसम भी देख रहे हैं कि जिस तरह थोड़े से बादल हैं, धूप है, ये चल रहा है अभी मौसम, वो कड़क धूप नहीं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, कैमरामैन साहब अंदर आए देखेंगे, ये दिखाएं अंदर लाके। ये देखे जी, ये जी वो वायर है जो भाई ने आपको दिखाई है, बाहर से अंदर आ रही है जी जी। ये देखे यहाँ से ये वायर दोस्तों आ रही है और सीधी ये देखें इसमें किट में लगी मॉड्यूल में जा रही है। ठीक है। अब अच्छा, ये देखें जी एसी इस वक्त रनिंग के अंदर है, आप इसका टेम्परेचर भी देख सकते हैं, बाहर हमारे पसीने निकल रहे थे जी, 35 डिग्री से प्लस हीट थी और ये इस वक्त तकरीबन 20 डिग्री तक ये हवा दे रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज जो अक्सर लोग डिमांड करते हैं कि यार ये वाकई चल रहा है या नहीं, वो आप हमें लाइव टेस्टिंग करके दिखाएं। तो ये देखें जी, इस टाइम मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वापदा के एम्पेयर है, यहाँ पे सामने भी नजर आ रहे होंगे और इस मीटर के ऊपर भी आपको नजर आ जाएंगे, इसकी लाइट भी ऑन कर लेते हैं, डेढ़ एम्पेयर से भी कम है। जी जी, ये जैसे ही हम लोग सोलर का जो सा करंट है वो बंद करेंगे, अभी बिल्कुल बादल आए हुए हैं, इसके एम्पेयर बढ़ जाएंगे वापदा के, ये एम्पेयर इसके ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही मैं इसका सोलर इस लगाऊंगा तो फिर इसके एम्पेयर कम हो जाएंगे। ये देखें सोलर की वायर है, ये उतार दी है। ठीक है, इसके एम्पेयर इतने हैं। जब मैंने ये सोलर की वायर लगाई है, यहाँ से इसका ब्रेकर ऑन किया, ये देखना एम्पेयर कैसे नीचे जाना शुरू हो। अच्छा तला भाई, ये जो मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही वापदा की और सोलर की, ये जो आपका एसी है जो आप लगा के देंगे लोगों को साथ में इस किट के, वो एसी इसी किट पे काम करेगा? बिल्कुल जी, कंप्रेसर हम लोग चेंज करते हैं एसी का, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो कंप्रेसर सोलर वाला कंप्रेसर होता है जो कि एसी को डायरेक्टली सोलर के ऊपर चलाता है। और वो वापदा पे कितने एम्पीयर लेगा?
हमारे पास ना दो तरह के कंप्रेसर है, एक है जो 1.5 से 2 एम्पीयर के दरमियान लेता है, दूसरा है वो 2 से 2.5 एम्पीयर के दरमियान लेता है, और ये एम्पीयर फिक्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ज्यादा एम्पीयर ले रहा फिर कम होगा, उसने अपने एम्पीयर फिक्स रखे, यानी मैक्सिमम 2.5 एम्पीयर। जी जी, इस सिस्टम का फायदा यह है कि जितनी बिजली उसे मैक्सिमम सोलर से मिलेगी ना, उतनी वो सोलर से लेगा, सारा दिन समझ लें आपका फ्री चले, ठीक है, क्योंकि सारी बिजली उसे सोलर से मिल रही होगी। वापडा सिर्फ 0. कुछ एम्पीयर लेगा, जो कि एक बल्ब के भी, रात को वापडा पे चलेगा, रात को वो ऑटोमेटिकली वापडा से ज्यादा लेना शुरू हो जाएगा और फिर वो वापडा के ऊपर ही चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वापडा के ऊपर भी मैं आपको बताऊं कि बहुत कम बिजली लेगा, तकरीबन 2 एम्पीयर का मतलब है कि कूलर से भी कम बिजली। हाँ, ना होने के बराबर ही है। 2 एम्पीयर कितने के होते हैं? हाँ जी, हाँ, तकरीबन 3.5 वैसे नॉर्मली अगर देखें तो 7-8-9-10 एम्पीयर तक एसी चलता है। बिल्कुल जी, 1.5 टन वाला 10 एम्पीयर तक भी जाता है, 1 टन वाला भी आप देखें तो 7 से 8 एम्पीयर तक रहता है। बिल्कुल ठीक है, अगर कूलिंग भी अटेन कर ले, इन्वर्टर एसी भी हो, नई टेक्नोलॉजी का भी हो, तब भी उसने 3.5 से 4 एम्पीयर। अच्छा, आप किस किस जो है टन, कितने टन तक का एसी जो है इस पे आप चला के देंगे? देखिये जी, आपने घरों में देखा है कि अक्सर स्प्लिट एसी लगते हैं और 1 टन और 1.5 टन कॉमन साइज जो सारे घरों में यूज होता है, हाँ। तो उसी के ऊपर हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। वैसे अगर कोई हमें कहता है कि विंडो एसी में कर दो या अलग किस्म के एसी में, वो भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो हमारे मेन पैकेजेस हैं वो 1 टन और 1.5 टन स्प्लिट एसी के अंदर, ठीक है, अवेलेबल। अच्छा, इसके अलावा कोई दोस्तों को और बात आपने इसके मुताबिक बतानी हो? ये इसके मुताबिक मैं ये बताना चाहूंगा कि इसने जो थोड़ी सी अगर वापडा से शेयर करने है ना, वो बिजली भी आप अपने यूपीएस से या किसी छोटे सोलर इन्वर्टर से दे देंगे तो लाइट जाने की सूरत में भी आपका ये एसी चलता रहेगा, लोड शेडिंग के अंदर भी आपको ठंडी हवा मिलेगी और आपका सारा दिन तो वैसे फ्री है। रात का भी जो बिल है वो 3 से 4 यूनिट का आप समझ लें कि इतना बिल है कि जितना एक आपको पंखे का बिल आता है ना, उससे ज्यादा आपको बिल नहीं आएगा यार। ये तो ना होने के बराबर है, अगर एसी का मजा लेना है तो 3-4 हजार बिल ला भी दे तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, ठीक है। और आपको पता है कि कूलर तो वैसे ही काम करना छोड़ देते हैं। अच्छा तलहा भाई, मुझे इधर आपने 2 एसी और लगाए हुए हैं, टोटल 3 है, ये तीनों में फर्क क्या है? इनके बारे में भी आपको बताता हूँ जी। ये हमारे पास खाली वापडा के ऊपर फिक्स एम्पेयर के ऊपर चलने वाला एसी है, इसका मैं आपको ना जरा टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ ताकि देखिये जी। जैसे ही मैं इसको टेम्परेचर गेज को इधर लेके आया हूँ और मैंने इसकी गेज को एसी के करीब किया तो इसका टेम्परेचर आप देखें किस तरह से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एसी सिर्फ 2.25 एम्पेयर के ऊपर चल रहा है और इसकी खास बात यह है कि इसने अपने एम्पेयर फिक्स रखने हैं। ये सोलर पे चल रहा है? ये सोलर वाला नहीं है, खाली वापडा वाला है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास सोलर का सिस्टम लगा हुआ है 3 kV या 6 kV और ज्यादा एसी चलाने हैं, इन्वर्टर एसी तो नहीं चला सकते। इन्वर्टर तो आपको पता है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एम्पीयर लेता है, फिर लाइट चलेगी 1 घंटा फिर उसने दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाना है। इसके एम्पीयर भी फिक्स रहते हैं, किसी का छोटा सिस्टम है वो भी चला सकता है, और इस किसी के पास पुराना एसी है, हमसे कंप्रेसर चेंज करवाए, सिस्टम लगाए और उसे इन्वर्टर एसी की तरफ जाने की जरूरत ही ना पड़े, ये वो सिस्टम है। इसका टेम्परेचर आप देखें जी, 19 से भी नीचे है आ गया, 19.0 और बहुत जल्दी ये देखें जी 12 पे इसका देखें टेम्परेचर आ गया। देखिए दोस्तों, 18 डिग्री जो बड़े बड़े एसी आप अगर 1.5 टन 2 टन के लगाते हैं वो उनसे आप लेते हैं। ये देखिए छोटा सा एसी है, 18 डिग्री टेम्परेचर ये आपको दे रहा है और सिर्फ 2.27 एम्पीयर ले रहा है, जो कि दूसरे एसी 8 से 9 एम्पीयर पे इतना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। बिल्कुल, इतना ज्यादा लोड लेते हैं और ये देखिए आधे से भी ज्यादा लोड वो ले रहा है। अच्छा अच्छा, इसकी प्राइसेस पे बात कीजिएगा, कितने पैसे कितने चार्जेस आप ले रहे हैं जी? जी जी, प्राइसेस भी मैं आपको बताता हूँ जी। ये 40,000 रुपए का सिस्टम है और दूसरा हमारा 60,000 रुपए का सिस्टम है, जिसके अंदर हमारी पूरी ये किट, इसके साथ एसी का कंप्रेसर, एसी की गैस, पाइप्स, फिटिंग, सोलर की वायर 6 mm की, सोलर का स्टैंड, हर चीज शामिल है। फिटिंग भी आप करके देंगे? जी जी, सारा कुछ हम लोग करके देंगे। एक मैं आपको और चीज दिखा दूं, ऐसा भी हमारे पास सिस्टम है जो पिछले साल काफी लोगों ने पसंद किया, उन लोगों के लिए जिनके पास वापडा बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है, वो कहते हैं हमने वापडा देने ही नहीं है जी, खाली सोलर के ऊपर हम लोग हैं अपने एसी को चलाना है। तो उसके साथ जी 3 छोटी बैटरीज लगती हैं, हमारा बड़ा बॉक्स है, आप मेरे पास आए जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, इधर हमारा ये बॉक्स लगा हुआ है, इसके साथ 3 बैटरियां लगती हैं, एक ये बड़ा बॉक्स है, इस वक्त एसी रनिंग के अंदर है और ये मैं आपको इसकी चेक भी करवा देता हूँ। ये वो सिस्टम है जो लोग चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल ही वापडा ना दें, सिर्फ सोलर पे चलाएं, ठीक है, लेकिन इसके साथ बैटरीज लगती हैं। वो सिस्टम इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं, एक तो बैटरी का झंझट नहीं है, आपको पता है 1-2 साल बाद बैटरी चेंज करवानी पड़ती है, उस खतरे से उससे जान छूट जाती है। बाकी आपने प्राइसेस की बात की तो मैं एक ऐसा पैकेज देने जा रहा हूँ जिसकी मैंने बाहर भी बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 रुपए के अंदर हम लोग एसी भी देंगे, पूरा इसका सिस्टम भी देंगे, सोलर पैनल भी देंगे, साथ वायर्स, ब्रेकर, हर चीज, यानी कि
ये वो कीमत है जिसके अंदर आपको एक सिस्टम भी नहीं मिलता सोलर का, छोटे से छोटा। अच्छा तलहा भाई, जो मुझे समझ आई है आपके इन तीनों एसी में, वो मुझे ये समझ आई है कि आपका वो जो फर्स्ट वाला एसी है वो मैक्सिमम 2.5 एम्पीयर लेता है, चाहे आप वाडा पे चला लें और चाहे आप सोलर पे चला लें। जी जी, सोलर पे तो बिल्कुल फ्री होता है। हाँ, तकरीबन वो 1.25 एम्पीयर हो जाता है, वो डाउन आ जाता है। जी जी बिल्कुल, बहुत डाउन आ जाता है, बल्कि 0.4 तक आ जाता है, 0.4 तक अगर कूलिंग में डेंजर हो जाती है उसकी। जी जी, कूलिंग से उसका ताल्लुक नहीं है, धूप से ताल्लुक है, उसको धूप पूरी मिल रही है तो वो 0.4 पे रहता है। उसने सारा दिन समझ लें कि एक बल्ब जितनी बिजली उसने ले रखनी है, शाम को फिर उसकी बिजली थोड़ी सी बढ़नी है उसके हिसाब से। और ये दूसरा जो मुझे समझ आई है, ये 2.27 एम्पीयर अभी तक मैक्सिमम है, इधर तक ये चलता है, ये सिर्फ आपका वापडा पे चलेगा, अगर वापडा लाइट चली गई या ये बंद हो जाए। जी जी बिल्कुल, ये बंद हो जाएगा। और वो एसी जो है वो साथ साथ सोलर टेस्ट किया हुआ है तो वो सोलर पे भी चलेगा अगर लाइट चली भी गई है। जी जी, वो आपका 24 घंटे चल सकता है। वो वाला जो सिस्टम है, अगर आपने उसकी जो वापडा की इनपुट है वो अपने किसी यूपीएस से या छोटे इन्वर्टर से दी है, तब तो वो लाइट जाने की सूरत में भी चलता रहेगा, ठीक है। और वैसे वो उसके अलावा अगर खाली वापडा से दिया फिर वो बंद हो जाता है लाइट जाने की सूरत में। सही, उस सूरत के अंदर ये हमारा तीसरा सिस्टम है जो बैटरी साथ लगती है, फिर ये लाइट जाने की सूरत में भी चलता है, यानी ये बैटरियों पे बैकअप देता रहेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। दोस्तों ये थे तलहा साहब, जिनका तल्लुक लाहौर से है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी वीडियो में दे दिया गया है, साथ में एड्रेस भी। आप इनके दिए गए नंबर पर रब्ता करके मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इनके पैकेजेस पूछ सकते हैं, और ये कौन कौन सी सिटीज में अपनी सर्विसेज देते हैं, आप अगर इनसे काम करवाना चाहते हैं आप इनसे जरूर रब्ता कीजिएगा। तो अभी तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।